नमस्कार, एमपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इजहार हसन खान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को भोपाल के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने भोपाल में कई कार्यक्रमों में शिरकत करी। इसी दौरान अमित शाह भोपाल के जमहूरी मैदान स्थित तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। अमित शाह का यह दौरा सियासी लिहाज से काफी अहम और खास माना जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग की 20-21% आबादी है। यही वजह है कि चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टियां आदिवासी वोटरों को साधने में लगी हुई हैं, उनको रिझाने में लगी हुई हैं। तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं, उनके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। अगर हम 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2013 विधानसभा चुनाव में आदिवासी 47 सीटों में से बीजेपी ने 31 सीटें हासिल करी थी। वहीं अगर हम 2018 की बात करें तो बीजेपी ने महज 16 सीटें हासिल करी थी और 109 सीट लेकर 7 सीट सत्ता से दूर थी। शायद यही वजह है कि अब बीजेपी अपना जो 2008 और 2013 का आदिवासी वोट बैंक था उसको वापस पाने में अपना पूरा प्रयास कर रही है। यही वजह है कि अमित शाह भोपाल के दौरे पर आए, और इससे पहले भी पिछले साल अमित शाह और पीएम मोदी मध्य प्रदेश आए और आदिवासियों के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि 2023 में आदिवासी वोट किस ओर जाता है।